ये हमारा क्लास 7 का टॉपिक है, तो जिसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे यूट्यूब में वीडियो मांगा कि सर अपना क्लास 7 का वीडियो दीजिए, ताकि हमने जो 5-6 दिन का जो मैंने क्लास किया हुआ वो हमको थोड़ा सा बहुत अच्छा समझ में आया है। तो आज मैं कंटिन्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। तो ये क्लास 7 का वीडियो है जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं CPU की पहचान। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितने भी स्मार्टफोन आते हैं या जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं, तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की जो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग होती है वो CPU के आधार पर होती है, कि मतलब उस पर CPU डिपेंड करता है। उसमें तो सैमसंग और आईफोन के दो मोबाइल फ़ोन ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड डिवाइस होते हैं, बाकी सारे मोबाइल फ़ोन होते हैं जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, लिनेवो, माइक्रोमैक्स, ये जितने भी सारे फ़ोन आते हैं, सारे फ़ोन की जो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग होती है वो CPU के आधार पर होती है। लेकिन आज मैं आपसे और बात कहना चाहता हूँ कि सैमसंग के अब जो नए मॉडल आ रहे हैं ना, उनमें भी क्वालिकॉम CPU लग करके आ रहा है, मीडियाटेक CPU लग करके आ रहा है, तो उनकी भी जो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग है वो भी तुम्हारा चाइनीज के हिसाब से आ जाएगी, कि उसमें भी चाइनीज की तरफ से रिपेयरिंग करेंगे। वो आगे मैं UMT में जब आपको बताऊँगा चलाना, तो उसमें आपको सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगा। तो CPU को पहचान करना, कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में, जैसे मेरे पास मोबाइल फ़ोन आ गया, ये MI का मोबाइल फ़ोन है, MI के मोबाइल फ़ोन में CPU को पहचान करना, ये इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जितने भी सारे नए लोग होते हैं जिनको सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है, वो लोग यार ये तक नहीं पहचान पाते कि ये मोबाइल फ़ोन कौन सा है। कहते हैं फ़ोन तो MI का है, इस MI के मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं तो कौन सा साला MI का सॉफ्टवेयर डाल दें। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि MI का कौन सा मॉडल है, कि MI Note 10 है, Note 10 प्राइम है, Note 10 लाइट है, Note 10 प्रो है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आपको रिपेयरिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मोबाइल फ़ोन की पहचान करने का वीडियो ऑलरेडी मैं पहले डाल चुका हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया हुआ है। तो आप लोग अगर मोबाइल फ़ोन की पहचान करने का वीडियो अगर आपको नहीं पता, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जा कर के देख लें, कि उसमें जैसे क्लिक करेंगे तो एक वीडियो खुलेगा, उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोबाइल फ़ोन को कैसे पहचाना जाता है। लेकिन आज दोस्तों जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ वो CPU के टॉपिक के ऊपर वीडियो बता रहा हूँ, कि CPU को कैसे पहचाना जाएगा। जैसे हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आएगा सॉफ्टवेयर करने के लिए, तो हमको CPU को पहचान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर CPU को पहचान नहीं होगा तो हम मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर को रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दोस्तों CPU को पहचान करने के बहुत सारे तरीके बताता हूँ, जिसमें सबसे पहला जो तरीका है CPU को पहचानने के लिए, आपको गूगल पर जाना पड़ेगा। कहाँ पर जाना पड़ेगा? गूगल पर जाना पड़ेगा। गूगल पर जाने के बाद गूगल में सर्च करना पड़ेगा। क्या टाइप करना पड़ेगा? क्या टाइप करना पड़ेगा? जैसे MI 5A CPU टाइप। मैं कई सारे एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता भी हूँ। MI 6A CPU टाइप, Vivo 91 CPU टाइप, Oppo A3s CPU टाइप। ऐसा करके जैसे सर्च करेंगे तो उसका डिटेल खुल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आप वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको गूगल खोलना पड़ेगा। गूगल खोलेंगे, गूगल खोलने के बाद गूगल पे ही हमको क्या करना है, टाइप करना है। देखिए गूगल खुल गया, यहाँ पर आपने गूगल पे टाइप किया। क्या टाइप किया? MI 5A CPU टाइप। MI 5A CPU टाइप जैसे आपने लिखा, तो देखिए गूगल अपना रिजल्ट खोल के देगा। देखो बता दिया, इसने बता दिया क्वालिकॉम स्नैपड्रैगन 425। इसने बता दिया कि इसके अंदर क्वालिकॉम MI 5A ना, इसमें क्वालिकॉम स्नैपड्रैगन का CPU लगा हुआ है। तो आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पर जो हमने सर्च किया, तो इसके अंदर CPU हमारा कौन सा कंपनी का लगा है? क्वालिकॉम कंपनी का CPU लगा है। तो क्वालिकॉम कंपनी का CPU लगा है, तो ये हमको पहचान में आ गया कि MI मोबाइल फ़ोन में जो भी सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने का तरीका होगा वो क्वालिकॉम के हिसाब से चलेगा। अब चलिए मैं MI 6A का CPU टाइप देख लेता हूँ।
अब देखिए MI6 के सीपीयू टाइप में हमने देखा, तो यहाँ पर क्या है, MediaTek, इसमें कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, MediaTek का सीपीयू लगा हुआ है, तो हमको पता चल गया कि इसमें MediaTek का सीपीयू लगा हुआ है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, Vivo 91 यहाँ पर गए, बैक किया, Vivo Y91 CPU टाइप। अब देखिए इसमें क्या लिखा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। Vivo 91 का जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर कौन सा CPU लगा हुआ है, क्वालकॉम CPU लगा हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि Vivo 91 के कौन सा CPU लगा है। अब जैसे Oppo A3s देख लेते हैं, Oppo A3s इसके अंदर भी क्वालकॉम लगा हुआ है, तो इसके अंदर देखेंगे तो कौन सा सीपीयू स्नैपड्रैगन लगा हुआ है। तो हमने देखा, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि सीपीयू को पहचानने के क्या होते हैं, कितने तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि गूगल से पूछ लीजिए, गूगल पर जाइए, गूगल पर टाइप करिए कि MI5 CPU टाइप, Redmi 6s CPU टाइप, TecnoSpark Go CPU टाइप, तुरंत आपको डिटेल खोल करके बता देगा। तो इसके माध्यम से आप सीपीयू को पहचान सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन में सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। तो ये अपना पहला तरीका है जिससे आप पहचान जाएंगे मोबाइल फ़ोन में सीपीयू कौन सा है। वीडियो को देखो, वीडियो को देखने के बाद आप समझो और अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने दिमाग में इमेजिन करो, 75 तरह का मोबाइल फ़ोन जानते हो, गूगल पर सर्च करो MI5 CPU टाइप, Redmi Note 9 CPU टाइप, MI6 CPU टाइप, Vivo V5s CPU टाइप, ऐसे मॉडल जो भी इमेजिन करो उसका CPU निकालो, ये बताएगा, इससे पता चलेगा कि कौन सा CPU लगा हुआ है। तो पहले गूगल से पता कर लीजिए, पहला तरीका। उसके बाद दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ CPU पता करने का, कि CPU को कैसे पता करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका होता है GSM Arena। GSM Arena एक वेबसाइट होती है, इस वेबसाइट के माध्यम से भी पता कर लेंगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में कौन सा CPU है। अगर आप इसके माध्यम से नहीं पता कर पाते तो, अगर इसके माध्यम से नहीं पता कर पाते तो GSM Arena से पता कर लेंगे कि इस मोबाइल फ़ोन में कौन सा CPU लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको GSM Arena से भी पता करके बताता हूँ। जैसे मेरे पास Oppo A3s है, तो हमने सर्च किया Oppo A3s, लिख दिया स्क्रीन पर, लिख दिया Oppo A3s और आगे स्क्रीन में लिख दिया GSM Arena। ये देखिए Oppo A3s GSM Arena का फुल डिटेल खुल गया। ये एक हमारी वेबसाइट होती है जो मोबाइल फ़ोन का पूरा इन्फॉर्मेशन देती है। ये भी मैंने मोबाइल फ़ोन को पहचानने के तरीके में इसके बारे में बता रखा, आप इसमें वीडियो देखेंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। नीचे जो डिस्क्रिप्शन का वीडियो उसको भी देखें, आज आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है भाई। प्लेटफॉर्म, इसमें प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। क्या लिखा हुआ है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, ये देखिए तो क्वालकॉम कंपनी का CPU लगा हुआ है। ये कहाँ पर देखेंगे, प्लेटफॉर्म में, प्लेटफॉर्म का मतलब चिप सेट, चिप का मतलब उसके अंदर IC कौन सा लगा हुआ है, कौन सी कंपनी का IC लगा, इसे बोल रहे हैं चिप सेट। ये GSM Arena से पता कर सकते हैं। एक और मॉडल मैं आपको देख करके बताता हूँ, जैसे आपके पास आया TecnoSpark 7 Pro, आ गया भैया TecnoSpark 7 Pro। अब इसके अंदर देख लेते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म, देखो इसके अंदर प्लेटफॉर्म क्या लगा हुआ है, काय का CPU लगा हुआ है, चिपसेट MediaTek, इसमें MediaTek का प्रोसेसर लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको। प्लेटफॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर चिपसेट जो लिखा है उसी कंपनी का CPU लगा हुआ है। तो इससे GSM Arena जो साइट होती है, इस साइट से भी पता कर लेंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन में CPU कौन सा लगा हुआ है। उसके बाद तीसरा चीज, मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करके, मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करके, जैसे आप मोबाइल फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे ना, तो कंप्यूटर से कनेक्ट करने पर यह डिवाइस मैनेजर में शो करेगा,
कि पोर्ट बना रहा है कि नहीं पोर्ट बना रहा है। जिस चीज़ का पोर्ट बनाएगा, क्वालिकॉम का पोर्ट बनाया तो क्वालिकॉम का है, मीडियाटेक का पोर्ट बनाया तो मीडियाटेक का है, एसपीडी का पोर्ट बनाया तो एसपीडी का है। तो जिस चीज़ का पोर्ट बनाएगा वो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। एक तो ये तरीका। उसके बाद चौथा तरीका क्या होता है कि फाइल के माध्यम से हम लोग पहचान जाते हैं, या टूल्स के माध्यम से हम लोग टूल्स या फाइल्स के माध्यम से भी पहचान जाते हैं कि इस मोबाइल फोन के अंदर कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, कौन सा सीपीयू लगा हो सकता है। लेकिन ये इसका जो प्रैक्टिकल है ये आगे जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं आपको समझा पाऊंगा, अभी थोड़ा सा ये समझ में नहीं आएगा। तरीका होता तो मैंने आपको बता दिया। चार तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है गूगल से, दूसरा तरीका होता है जैसा मरीना से, तीसरा होता है मोबाइल फ़ोन को सिस्टम से कनेक्ट करके, उसके बाद चौथा तरीका होता है फाइल के माध्यम से या टूल्स के माध्यम से। इस माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन सा सीपीयू लगा हुआ है। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आज आपको बताया, सीपीयू को पहचानना, कि मोबाइल फ़ोन में सीपीयू को कैसे पहचाना जाएगा कि इस मोबाइल फ़ोन में कौन सा सीपीयू लगा है। क्योंकि जब तक दोस्तों आपको सीपीयू के बारे में पहचान नहीं पता होगा तब तक आपको सॉफ्टवेयर रिपेयर करने में प्रॉब्लम आएगी और आप मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो आज दोस्तों मैंने आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन के अंदर सीपीयू को पहचानने का तरीका क्या होता है, कि बोर्ड में सीपीयू को किस तरीके से पहचाना जाता है। उसके बाद हम मोबाइल फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर का जो मैंने आपको नियम बताया था कि हमारे मोबाइल फ़ोन में ड्राइवर क्या काम करता है, मोबाइल फ़ोन में फ्लैश फाइल क्या काम करती है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखने का टाइम आ गया है। इतना सारा चीज़ समझ चुके हैं तो उसके बाद फिर मैं आपको ड्राइवर के बारे में, टूल्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में एक से जेड तक आपको समझाऊंगा। तो आज दोस्तों मैंने आपको सीपीयू को पहचानने का तरीका बताया कि मोबाइल फ़ोन में सीपीयू को कैसे पहचाना जाता है। इसका सॉफ्टवेयर के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल है, और डिस्क्रिप्शन में जा करके मोबाइल फ़ोन को कैसे पहचाना जाता है, कि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आया, अरे भाई सीपीयू तो तुम बाद में पहचानोगे, पहले ये तो पहचान लो मोबाइल फ़ोन कौन सा है। जो ऐसे लोग हैं जिसने भाई 10,000 15,000 20,000 50,000 खर्चा करके नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, उसको तो पता है, उसने 10 दिन सर्च करता रहता है तब का, अच्छा मैं रेडमी का नोट 10 प्राइम लेकर गया हूँ, रियलमी का X7 लेकर गया हूँ, क्यों? उसको पहले से पता है, उसने भाई पैसा ज़्यादा दिया ना। एक तो वो आदमी होता है जो कस्टमर सेकेंड हैंड खरीद लाता है, किसी का मिल गया तो खरीद लिया, किसी ने ऐसे दे दिया जाओ फ़ोन चला लो, वो कह रहा मैं तो वीवो का फ़ोन चला रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वीवो का कौन सा मॉडल है, वो 91 है कि 93 है कि 95 है कि 81 है, 83 है, Y12 है, 11 है, 17 है, सब तो वैसे ही दिखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ मॉडलों में 19-20 का फ़र्क होता है, तो वो समझ नहीं पाता। जब वो समझ नहीं पाता तो उसके लिए हमको इससे पहचाना जाता है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर कैसे पहचाना जाएगा, मोबाइल फ़ोन कौन सा है, मोबाइल फ़ोन पहचानने का तरीका का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वीडियो को देखें, वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आज मैंने आपको सीपीयू को पहचानने का तरीका जो है वो मैंने आपको दोस्तों वीडियो दिया हुआ है। आज के वीडियो आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया, और ये क्लास 7 का टॉपिक था, क्लास 8 का वीडियो मैं आपको आगे दूंगा, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। जितने भी सारे लोग हैं ये सब चीज़ें अपने कॉपी में नोट करें, और नोट करने के बाद हमें मैसेज करें, ताकि आपको मुझे भी समझ में आए कि आप लोग भैया सब चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मैं सॉफ्टवेयर फ्री रिपेयरिंग का कोर्स का मैं वीडियो आपके लेकर के आया हूँ, ताकि जो ऐसे नए स्टूडेंट हैं जो मोबाइल फ़ोन के लाइन में सॉफ्टवेयर का काम सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर का काम भैया कितना आसान है, कितना आसान तरीके से सीखा जा सकता है, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कम्प्लीट, लैपटॉप रिपेयरिंग की, स्मार्ट टीवी की कम्प्लीट अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर कानपुर स्टेशन से मात्र 300-400 मीटर दूरी पर सागर मार्केट मार्केट पड़ती है। ये मोबाइल फ़ोन का गढ़ है, यहाँ पर 5,000-10,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की दुकानें हैं, कि दूर दूर से लोग झोला भर भर के मोबाइल फ़ोन लाते हैं ठीक कराने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग मोबाइल फ़ोन को बनाते हैं, फ्री में बनाते हैं, पैसा नहीं लेते। और दूसरी बात क्या रहता है कि लोगों को मोबाइल फ़ोन फ्री में बनने का उनको मौका मिल जाता है, हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको सीखने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वो बच्चे उन मोबाइल फ़ोन को बनाते हैं, उनको फ्री में मोबाइल फ़ोन बना के दे देते हैं, कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं लेते, बस खाली सामान का पैसा ले लेते हैं कि चार्जिंग कनेक्टर 5 रुपये का लिया तो 5 रुपये डाल दिया, ग्लास टच चेंज किया तो 60-70-80 रुपये ग्लास आया तो ग्लास को बदल दिया, प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। तो इस तरीके से सारे स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन को ठीक करते हैं। अभी अपना
नया बैच चालू होने वाला है। अगर आपको दोस्तों अगर आप मोबाइल फ़ोन ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा कोर्स है। अगर इन फ्यूचर देखा जाए, भविष्य की बात करी जाए, तो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा स्कोप है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी अगर घर से निकलता है तो उस जेब में पैसे हों चाहे ना हो, एक बार काम चला लेगा, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन उसको ज़रूर चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो मोबाइल फ़ोन नहीं होगा तो काम कैसे करेगा। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक अनुभव आपको बताता हूँ। अगर आदमी एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं भैया? 24 ही तो होते हैं ना, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आदमी अपनी लाइफ का 18 घंटे अगर वो काम करता है, 6 घंटे सोता है, तो 18 घंटे में से 18 घंटे मोबाइल फ़ोन चलाता है। आप कहते हो सर जी तुम 18 से 18 घंटे मोबाइल फ़ोन चलाता है, कैसे चलाता है? कुछ तो जो बिल्कुल फ्री बैठे हैं, जो बिल्कुल खाली बैठे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस पर लगे पड़े हैं, दिन भर वीडियो देखते हैं, दिन भर सब चीज़ों के बारे में भर रहे हैं, वो अपना समय को स्पेंड करते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो भी फ्री नहीं बैठे, वो भी भैया चला रहे हैं। लेकिन अगर वो कभी उनका काम में लगे, मोबाइल फ़ोन रख दिया, कोई फ़ोन आया तो फट से काम छोड़ करके मोबाइल फ़ोन को उठाएंगे, मोबाइल फ़ोन से बात करेंगे, ये कह देंगे भैया बाद में बात करूँगा। क्यों? क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन से दुनिया कनेक्टिविटी है। अभी मैं आपको एक समय का मैं वाक्य बताता हूँ कि एक हमारे सर थे, वो दो लोग थे, दोनों लोग बाहर गए, मार्केट में गए। मार्केट में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने मोबाइल फ़ोन को यहीं चार्जिंग पे लगा दिया। चार्जिंग पे लगाने के बाद वो मार्केट में गए कुछ सामान खरीदने के लिए। एक लोगों ने उनको बाइक पर खड़ा कर दिया कि भैया तुम यहीं पर खड़े रहो, हम अभी आ रहे हैं। लेकिन साथ में उनके एक और लोग थे, वो सामान लेने लगे। इतने में क्या हुआ, ट्रैफिक का थोड़ा सा इधर उधर चेंज का मैटर फंसा, तो वो लोग थोड़ा क्या हुआ, अपने पास से दूर हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। अब दोनों अलग अलग हो गए, समझ लीजिए उसी उतने दायरे में एक दूसरे को नहीं ढूंढ पा रहे। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? इसलिए ढूंढ नहीं पा रहे, वो एक दूसरे को कैसे पहचान जाए तो ढूंढ लेंगे, वरना वैसे कैसे ढूंढ पाएंगे? क्योंकि दोनों के मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, उनकी दोनों की कनेक्टिविटी आपस में क्या हो गई, टूट गई। दोनों आपस में ढूंढते रहे, परेशान होते रहे, उसमें से एक आदमी पहले ही भाग आया। जब पहले भाग आया तो दूसरा उस आदमी को ढूंढता रहा कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। तो वो दूसरा आदमी 2 घंटे बाद आया, वो अपने मन से ही आया, लौट करके आ गया। उसने पूछा नहीं कि भैया हमको तुम मिले कि नहीं मिले, वो अपने मन से ही आ गया। जो पहला आदमी आया था वो आया, उसने अपने मोबाइल फ़ोन को उठाया। अब मोबाइल फ़ोन को उठाने के बाद वो भी उसको फ़ोन कैसे कर पाता, क्योंकि जो उसके साथ में गया था उसका मोबाइल फ़ोन भी यहीं चार्जिंग पे लगा था। तो दोनों आदमी फिर अलग अलग टाइम पे आए, और 1-2 घंटे का समय का टाइम हो गया, क्योंकि उसका इंतज़ार करता रहा कि भैया 2 घंटे बाद आएंगे। और जो आ गया तो ये भी उसको नहीं लेके आ पाए, ले नहीं पाया, क्योंकि उसका भी मोबाइल फ़ोन यहीं पर रखा था। तो हमारा कहने का मतलब ये कि हमारा मोबाइल फ़ोन ही हमारी कनेक्टिविटी का जरिया। आप अगर यहाँ से दिल्ली में अपने चाचा के यहाँ चले जाते हैं, चाचा को खूब जानते हैं, लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन नहीं ले गए तो चाचा को नहीं ढूंढ पाओगे, चाचा को पहचान नहीं पाओगे। क्यों नहीं? क्योंकि उनको फ़ोन कैसे मिलाओगे? तो मोबाइल फ़ोन हमारा कनेक्टिविटी का बहुत जरिया है, इसकी हर एक आदमी की डिमांड है, इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। कोई भी आदमी 10,000, 15,000, 20,000 का मोबाइल फ़ोन खरीद लेता है, दोस्त फेंकता नहीं है, उसे ठीक करवाता है। जब तक उसके अंदर दम होती ना, तब तक साला उसको रगड़ रगड़ के ठीक करवाएगा, उसको बनवाएगा, उसमें 200, 500, 1,000, 2,000 जब तक खर्चा लगेगा तब तक उसको चालू कराएगा, चालू का जब तक चलने लगेगा तब तक उसको यूज करेगा। तो हमारा कहने का मतलब है, आजकल के समय पर मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर आप लोग फ्री बैठे हैं, बेरोजगार हैं, या किसी और चीज़ में काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, और तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप इस लाइन में ट्राई करिए। मात्र 45 दिन का कोर्स है, 45 दिन के अंदर आप पूरा कंप्लीट हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की है सारी चीज़ों का जानकारी आप सीख जाएंगे, सब चीज़ों के बारे में सीख जाएंगे। आराम से अपना बिजनेस करिए, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो अगर आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें, और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको उसका सलूशन देंगे, आपको तरीका बताएंगे, सीखने का तरीका बताएंगे। और जो ऐसे स्टूडेंट है जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लाइन में काम कर रहे हैं, तो वो उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इतना पूरा दिन का मेहनत का काम करने के बाद भी मैं आपको वीडियो बना कर देता हूँ, ताकि आपको ये लगे कि यार सब चीज़ों के बारे में कितना अच्छे से सीखा जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर हम आपकी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं तो आप भी कहीं जाने अनजाने में हमारी मदद करिए, वीडियो को शेयर करिए और एक दूसरे के बारे में संपर्क बनाइए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।